Assalamu alaikum. How are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, apni chapter ki aur badhte hain jo ki hai transportation in animals and plants. The students, jisme humne baat kar rahe hain circulatory system ke baare mein, humne दो कंपोनेंट्स की बात की, अब हम आज तीसरे कंपोनेंट यानी हार्ट के बारे में बात करेंगे. तो ये है स्टूडेंट्स ह्यूमन हार्ट. तो क्या होता है हार्ट? एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली. स्टूडेंट्स हार्ट जो है हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जो कि क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली लगातार बीट करता है. ठीक है, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. ये कहाँ होता है? हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है. ठीक है, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है. लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इसका जो लोअर टिप होता है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो लोअर टिप है वो क्या है, वो लेफ्ट की ओर थोड़ा सा टिल्ट है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे मैम ये तो राइट साइड है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इंसान को ऐसे रखा जाएगा तो उसका राइट साइड ये वाला होगा और लेफ्ट साइड वो वाला. ठीक है, तो क्या होता है, हार्ट का जो लोअर टिप होता है स्टूडेंट्स, ये हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड से. ठीक है, अब देख सकते हैं. इट एक्ट्स एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सबस्टेंसेज विद इट. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है स्टूडेंट्स, जो हार्ट है एक पंप की तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है. ये क्या करता है, ब्लड को धक्का देता है, पुश करता है, धक्का देता है. फिर जब ब्लड को धक्का मिल जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी में क्या घूमेगा ये ब्लड, इसके साथ क्या होंगे, ये क्या करेगा, कैरी अपने साथ सबस्टेंसेस को कैरी करेगा. तो क्या आता है हार्ट, ये क्या करता है, ये एज अ मतलब एक पंप की तरह काम करता है. कहीं कोई मतलब ब्लड को धक्का दे देता है, कहीं से ब्लड को खींच लेता है. ठीक है, चलिए. द हार्ट हैज़ फोर चैम्बर्स. हार्ट जो है इसके चार चैम्बर्स है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. अब जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ये इसके पहले वाले चैम्बर्स है, ऊपर वाले चैम्बर्स है. आप देख सकते हैं ये लेफ्ट एट्रियम है. ठीक है ना, ये वाला जो है चैम्बर है ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये वाला जो चैम्बर है ये राइट एट्रियम है. समझ गए? और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये रहा राइट वेंट्रिकल. ठीक है, समझ गए? तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था दैट आर्टरी जो होती है स्टूडेंट्स वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती है, वो कैरी करती है हार्ट से लेकर सेल्स तक. ठीक है, और वेन्स के बारे में क्या पढ़ाया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करती है, सेल्स से कहाँ तक ले जाती है, हार्ट तक ले जाती है. और मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बोला था, ठीक है ना, लेकिन वो हम आगे देखेंगे. तो स्टूडेंट्स अब हमने तो ये पढ़ लिया, लेकिन हार्ट में जो होता है ब्लड फ्लो कैसे होता है ये हमें देखना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप चलिए मान लीजिए हमारी सेल्स में रेस्पिरेशन हो गई, हमारी बॉडी के सेल्स में रेस्पिरेशन हो गई. तो क्या हो गया, रेस्पिरेशन में क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको स्टूडेंट्स याद हो, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कौन ले जाता है, इधर तक हार्ट तक, वेन्स ले जाती हैं, है ना, है ना. तो क्या होता है, जब हमारी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ब्लड हमारा क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सारे सेल्स में से इकट्ठा करेगा. ठीक है ना, इकट्ठा करेगा, समझ गए ना. और जो मैंने आपको बोला वेन्स क्या करती हैं, वेन्स हार्ट तक ले जाती हैं. अब हमारी वेन्स सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, आपको ये याद रखना है, आपको नाम याद रखने हैं. सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा क्या करेंगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करेंगी, पहले राइट एट्रियम में ले जाएगी, यानी पहला चैम्बर जो है ऊपर वाला चैम्बर जो है राइट एट्रियम में ले जाएगी इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को. ठीक है, राइट एट्रियम में ले जाके फिर कहाँ जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, समझ गए. इस राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व है, ठीक है ना, एक वाल्व है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं. ठीक है, और वाल्व क्या करता है, क्यों होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल तक पहुंच गया, फिर क्या इधर से कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी. आप देख सकते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है. स्टूडेंट्स आप एक्सेप्शन याद कीजिए, मैंने आपको क्या बोला था, आर्टरी क्या करती है, आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है. ठीक है ना, लेकिन अब एक आर्टरी ऐसी भी है जो कि जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाता है, कहाँ से, हार्ट से लेकर लंग्स तक.
हुआ ना वही राइट वेंट्रिकल तक जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पहुंच गया तो फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंच गया, फिर आगे जाके जब जो एक्सेलेशन हो जाती है वो हमने देख लिया। ठीक है, ये होगी किसकी बात, ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की बात। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड का क्या होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अब जब हमने ऑक्सीजन इनहेल कर दिया, हमने जब ऑक्सीजन इनहेल कर दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन इनहेल करके वो लंग्स तक पहुंच गया। अब लंग्स से लेकर हार्ट तक पहुंचाना है, ठीक है ना। लंग मैंने आपको स्टूडेंट्स वो आपको याद होगा आर्टरी के बारे में, आर्टरी क्या करती है, आर्टरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, ठीक है ना। लेकिन एक आर्टरी ऐसी, सॉरी वेन के बारे में हम बात करेंगे, वेन क्या करती है, वेन करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पहुंचाती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पहुंचाती कैरी करती है। लेकिन एक वेन ऐसी भी है स्टूडेंट जो पल्मोनरी वेन है, वो क्या करती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ से ले जाती है, लंग्स से लेकर हार्ट तक ले जाती है। यही क्या होता है, जब हमने ऑक्सीजन इनहेल कर दिया तो लंग्स में पहुंच गया, तो लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पहुंचता है, पहले लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे इनके बीच में वाल्व था, ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व है जिसको जिसको मिट्रियल वाल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, फिर इस रास्ते से होकर ये आयोटा के थ्रू हमारे पूरे सेल्स तक, सारे सेल्स तक चला जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। समझ गए ना। तो स्टूडेंट्स आप ये वीडियो जो है एक दो बार ही देखिए, तभी आपको आराम से दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो एक या दो बार जरूर देखना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो स्टूडेंट्स आप अब ये बोल रहे होंगे, मैम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो जाता इस हार्ट में। स्टूडेंट्स वो इसलिए मिक्स नहीं हो जाता क्योंकि क्या होता है, इन चैम्बर्स के बीच में पार्टीशन होती है। इन चैम्बर जो हमने बात की, इन चार चैम्बर जो है इनके बीच में पार्टीशन होती है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे घर पे क्या होता है कमरों के बीच कमरे होते हैं, उनके बीच में दीवार होती है ना, ऐसी स्टूडेंट्स जो चैम्बर्स होते हैं इनके बीच में पार्टीशन होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का वो मिक्स नहीं हो जाते। समझ गए। तो ये था आज का टॉपिक, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा और मैं फिर से रिपीट करूंगी, इसको प्लीज दो बार देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।